सारे पार्टिसिपेंट्स उनके साथ आए हुए पेरेंट्स गार्डियन अकंपनिस और अपने पैनी साहब दी साध संगत पहला सतगुरु जगजीत सिंह प्रतियोगिता का सम्पन्न होने पर मैं सबको बधाई देता हूँ और हमें बहुत खुशी हुई है और मैं आस करता हूँ कि आप सब ने भी यहाँ आके एंजॉय किया कम से कम हमने तो ज़रूर एंजॉय किया दिल्ली में भी और यहाँ पर भी आप सब लोग आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा अच्छा आपकी खुशी में खुश हो भी अच्छा लगा संगीत की सेवा कर सके वो भी अच्छा लगा और जो सतगुरु जी का सपना है कि हर एक बच्चे से संगीत की खुशबू आए तो उसके लिए हम थोड़ा सा काम कर पाए तो सतगुरु जी की खुशी मिलती है तो हमें अच्छा लगता है कि उनकी खुशी में बहुत कुछ आ जाता है गुरुओं की सतगुरु की खुशी में बहुत कुछ आ जाता है हमें सब कुछ मिल जाता है और यहाँ आप कोई कर्नाटक से है कोई बंगाल से है कोई उड़ीसा से है कोई कोल्हापुर से है मेरे देश की ये महानता है कि इसमें बहुत डाइवर्सिटी है बहुत कम ऐसे देश हैं जितने इतनी डाइवर्सिटी है अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, यहाँ से जिनको सेकंड प्राइज़ दिया गया है ये बीजापुर से हैं और बीजापुर बेंगलोर मांड्या शिमोगा और हम देखते हैं तो कोस्टल कर्नाटका बिल्कुल अलग है बीजापुर कल्चरली अलग है और महाराष्ट्र से आए हुए हैं कोल्हापुर से हैं थाने से हैं मुंबई से हैं और बंगाल से हैं और ये सब सुर तो वही हैं सुर तो एक ही है इस संगीत ने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है और यहाँ आप सब संगीतकार बन के आए हुए हैं ना किसी को एक स्टेट है ना किसी का कोई रीजन है ना किसी को कोई अलग संप्रदाय है आप सब यहाँ एक संगीत की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और सबसे बड़ी ये सुर की ये महानता है संगीत की ये महानता है वो हम सबको जोड़ता है कल बात करते करते हुए पंडित जी ने कहा था कि संगीत तो प्यार का है आप प्यार से गाते हैं तो संगीत हमें प्यार देता है उस टाइम में प्यार देता है जब इस समाज में अनफॉर्चुनेटली मीडिया में घृणा भरी पड़ी है जब हम मीडिया देखते हैं कुछ ऐसा है कि बिकता वो है जो कंट्रोवर्शियल है बिकता वो है जिसमें कुछ बुरा होता है जब हम किसी की अच्छाई करते हैं तो वो बिकता नहीं है तो इसलिए जो भी सोशल मीडिया में भी ज़्यादा होता है कि एक दूसरे की बुराई की होती है लेकिन ये संगीत है या हम सब इकट्ठे हुए हैं सब प्यार से सब ने गाया है किसी को फर्स्ट प्राइज़ मिला किसी को सेकंड मिला किसी को थर्ड मिला ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा उसका मैना नहीं आप सब ने बहुत अच्छा गाया आप सब ने बहुत प्यार से गाया और हम आपके मैं कहूँगा कि ये आपका सौभाग्य है कि आपके पेरेंट्स ने आपके गुरुजनों ने आपको संगीत सीखने का हर किसी को ना मौका मिलता है ना ये सोच आती है आप जो लोग संगीत सीख रहे हैं आपका ये सौभाग्य है और मेरी ये प्रार्थना है सतगुरु जगजीत सिंह जी के चरणों में मेरी ये एक अरदास है कि आप और आगे बढ़ें और आप संगीत की सेवा कर सकें अच्छे मनुख बन सकें जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकें मैं हमारे साथी जिन्होंने ये सेवा की है बलवंत है राजेश है हरप्रीत जी हैं करणपाल बलवंत सिंह मैं सबके नाम नहीं ले सकता दिल्ली में भी बहुत लोगों ने और बड़े प्यार से ये सेवा की है ये हमारा कल्चर भी है जो सिक्की में सिखाया जाता है कि हॉस्पिटलिटी है और सब ने की है मैं ये आस करता हूँ कि आप सब यहाँ से खुश होकर जाएंगे लेकिन सेवा करते हुए कोई त्रुटि रह गई हो मैं उसके लिए हम अपने सब साथियों की तरफ से आपसे माफ़ी भी मांगते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे से इससे भी अच्छा हो जाए हो सके और संगीत की सेवा हो सके सबसे आखिर में पंडित जी के लिए मेरे पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं हैं उनसे एक बार बलवंत ने विनती की तो पंडित जी तैयार हुए और तैयार होकर इतने खुशी से आके ये पूरे दो दिन हमें ये समय दिया आपको गाइड किया आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई तो जितनी बड़ी संगीत की सेवा पंडित जी कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो अपना परफॉर्मेंस करते हैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं लेकिन पंडित जी ये संगीत की सेवा कर रहे हैं सैकड़े हज़ारों बच्चों को सिखा रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं तो मैं पंडित जी का स्वागत भी करता हूं धन्यवाद भी करता हूं इनके लिए अरदास भी करता हूं कि सतगुरु जी कृपा करें इसी तरह पंडित जी ये सेवा करते रहें आखिर में आप सबका एक बार फिर धन्यवाद और सतगुरु जी के चरणों में ये अरदास कि हमें ये सुमति दे हमें ये बल दे कि हम संगीत की सेवा कर सकें से इतना कह के आज्ञा लेता हूँ सत अकाल